सर आपकी डिलीवरी। तुम लेट हो, अभी मैं खाना फ्री में लूंगा। सर घाटकोपर से मंगाया। मेरे को नहीं पता, मेरे को खाना फ्री में चाहिए। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे सैलरी से कट जाएगा। बाहर में जाओ, तुम लोग की जिम्मेदारी है, मेरे को खाना फ्री में चाहिए। सर फ्री नहीं हो पाएगा। मैंने अपने मेहमानों को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको फ्री में खाना खिलाऊंगा, अभी उनको नहीं खिलाया तो क्या सर? तो मेरी नाक कट जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, लेके आता हूँ, किसी गरीब का खाके थोड़ी असर होगा। नाइस वन। Don't know the game, you keep mentioning my name. We don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. तो लोंडो क्या हाल चाल है। तो गाइस आज हम फिर बात करने वाले हैं जोमैटो वाली लड़की के बारे में। तो भाई ये लड़की तो फुली एक्सपोज हो चुकी है। जो इस लड़की ने स्टोरी बनाई थी वो भी फेक निकली और दीदी की रिंग वाली बात भी झूठ निकली। तो ऊपर से हमारी दीदी बोलती है मेरे हाथ पे जो स्क्रैच आया है ये उस दिन आया था जिस दिन मेरी जो है जोमैटो वाले के साथ फाइट हुई थी। कोई ऑप्शन नहीं दिखा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते हुए धक्का मारा। और तो अगर हम उस दिन की वीडियो चेक करें लड़की की तो उस पे तो ऐसा कुछ है ही तो मतलब यहाँ पे भी झूठ पकड़ा गया दीदी का। सुनिए के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो दीदी को जो सिंपथी और सपोर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे जो है हेट में बदल रहा था। दीदी को जो है लोग गालियां पे गालियां दे रहे थे सच्चाई बाहर आने के बाद। एंड हमारी दीदी के ऊपर जो है FIR हो चुकी है। जी हाँ, जो कि हुई है अंडर सेक्शन 355 असोल्ट, 504 इंसल्ट एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि इस लड़की के ऊपर FIR होनी चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए तो अब वो होने वाला है। तो भाई अगर ये गिल्टी प्रूफ हो जाती है तो इसको सजा जरूर मिलेगी। एक तो इसने गरीब इंसान की जिंदगी बर्बाद की है फ्री फूड के चक्कर में और ये चीप पब्लिसिटी के लिए। जब दीदी ने अपनी पहली वीडियो डाली तो दीदी को बहुत सपोर्ट मिला तो दीदी को लगा सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। पर दीदी को क्या पता था वो अपने गेम में खुद ही हार जाएगी। दीदी की नोज की बोन टूट गई उसके बाद भी ये हॉस्पिटल नहीं गई। पहले इसने वीडियो बनाई है क्योंकि दीदी की जो चोट है वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी दीदी की जुबान है। नाक टूटा हुआ ऊपर से बोल कैसे रही है। डॉक्टर ने कहा है कि बोलना नहीं है लेकिन उसके बाद भी इसने वीडियो बनाई, इसने इंटरव्यू दिया, कहीं से भी नहीं लग रहा था इसको दर्द हो रही है, इसको चोट लगी है। मतलब दीदी हद होती है झूठ बोलने की। ऊपर से दीदी के फॉलोवर थे 30 के और अब हो चुके हैं 1,00,000 जिसमें से 50% फॉलोवर जो है फेक है। और वो कैसे है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका मतलब है दीदी खरीद रही है फेक फ्लोवर। तो लक्ष्य चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की है, उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली शी इज बाइंग बॉट फ्लोवर्स आफ्टर ऑल द वीडियोस एंड फैक्ट्स। उसके रियल फ्लोवर्स कम हो रहे हैं और फ्लोवर्स कम होने का मतलब इंडियन सोशल मीडिया पर आपने कुछ गलत किया है, दैट्स व्हाई खरीदने तो पड़ेंगे ही ना तो प्रूव हरसेल्फ कम्प्लीटली राइट। तो गाइज आप बॉय की साइड हो या गर्ल्स की कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।